बड़ी खबर, हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का दावा, हिमाचल में ई वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि डीजल वाहनों की अंतिम खेप खरीदी है, परिवहन विभाग सभी बसें और वाहन इलेक्ट्रिक खरीदेगा। तो ये बड़ी बात है जो डिप्टी सीएम की ओर से कही गई है कि अब पूरी तरह से परिवहन विभाग जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल अब आगे करने वाला है। आखिरी खेप डीजल वाहनों की खरीदी गई है, लेकिन इसके बाद में अब इलेक्ट्रिक बसों और वाहनों को खरीदा जाएगा। तो यानी कि ई वाहन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और वीवीआईपी नंबर के लिए करोड़ों की फर्जी बोली लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी, उन्होंने कहा है। साथ ही 3 फर्जी बोली लगाने वालों के खिलाफ सरकार एफआईआर करेगी और भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकेंगे फर्जी बोली दाता। मामले में पोर्टल को भी सस्पेंड किया गया है, तो ये बड़ा एक्शन भी लिया गया है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसने नई सीरीज जारी की थी और उस सीरीज का जो 99 और 9999 नंबर है उसको लेके बोली चल रही थी और आश्चर्यजनक तरीके से बोली चल रही थी और वो जो लगभग 1,12,00,000 रुपए तक पहुंच गई और वो भी एक स्कूटरी के लिए। वो तो जब बोली लगाई गई उसी में पता लग रहा था कि ये कोई नॉन सीरियस आदमी है या ये तंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, और उसके बाद दो और आदमियों ने जो है उसी के आसपास की बोली लगा दी। अब पोर्टल को तो मैंने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं कि उस